हेलो भाई, 9 बज गए सुबह, 9:30। और मौसम ठंडा ठंडा, कूल कूल। चलो ये देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पानी तो क्रेव होंगे। पता है कि आजकल है ना, सारे ब्लॉगर्स जो भी, उनके हस्बैंड भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। सबसे इनको परेशान करके बोल रही हूँ कि आप कुछ नहीं करते हो, इसलिए लाइक कोशिश कर रहे हैं। बन गया खाना, बिना चेक रहे ये मीमी होने, बिना चेक रहे ठाकुर ये मीमी खुशबू से भरगो ना पेट था, कुछ खानी है को नहीं। दूध पी लेगा? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? काम कर से बोलो। क्या काम करोगे? आराम। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप चल लेते साथ में, ये गीजर भी सही करवा लेते, रोज सुबह सुबह से परेशान होते हैं, ठंडा पड़े। और अपने वो शर्ट भी ले चलो, वो भी सिलवा लो। और बड़ा कमाई सिला लो। कुछ नहीं होता सिलवाते ही है। कोई कौन सिला, अब इमरजेंसी हो तो सिलाओ, पहले कैसे सिलाओ? अरे सब सिलाते, मैंने तो सिलाया है। कैसे सिलाए? मेरे कपड़े सिलवाए और सब खरीद भी तो रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। कर रहे होंगे? हाँ कर तो रहे हैं, पांच दिन जा रहे हैं। देखता हूँ, अगर दिन में आता हूँ तो मेरे को काम बता दूंगा मैं। दिन में क्या होगा, फिर साथ ही चलो। दिन में आऊँगा, मेरे को काम है, बैंक जाके आना है। वो सील कोई पहले ख़राब बन गई थी, वो दूसरी देख के आनी है। वो बन गई तो ठीक है, नहीं वो बनवाने के लिए आना पड़ेगा। रेल मार्ग ऐसे है। क्यों? हाँ तो मैं अकेले इधर से जाऊंगी, बस में परेशान होंगी। पहले आप लोग छोड़ने जाओगे, फिर लेने जाओगे, फिर गाड़ी का भी तेल होगा क्या? काम है एक बैंक में, पहले वो कराऊंगा। बैंक में काम है, कल कॉल आयो जाना है। लुगड़ी तो फटी रही है, दिख ही रही है वीडियो। पानी में करता हूँ, गर्म हो जाए लो सारी दी देना। खाओगे या पहले नहा के खाओगे? नहीं मैं खाऊंगी पहले, तो फिर पानी फिर गर्म पहले ही करेगा। तो खा लो पहले, फिर नहा लेना, तो खड़ा रहेगा उसमें। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा तो बात कौन मानने को आपकी? क्या नहीं माना? मुझे दूध के लिए जो दही लिया, देखो ठंड का मास होता है। और डॉक्टर का एक क्यों दूध पीते हो? हाँ पीऊँ जहाँ, तो भी कहूँ करो बिल्ली सेट गई। रात को भी ना, दोनों टाइम पियो। वो कैल्शियम की गोलियाँ दी, जरूरत कौन पड़े कैल्शियम दूध पियो ना। सर्दी में अच्छा नहीं होता जी, लाने में जब भी मक्खी होता। हाँ ले लूँगी वो दूध, ठीक है कल से दूध। फिर ऊपर नहीं बोलो, मुझे चौको लग गया। कर तो पैक लियो, टिफिन टिफिन कर लियो। बस अब नहाना है, जाना है। ठीक, ओ देखो इन खरगोशन क्या दिखा रहा है बेटा, बाहर ठंडा है, सर्दी है बाहर बहुत। आई अरे बस 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 बस, अरे नहीं 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 खाते बेटा, बाबा को थोड़ी खाता है। अरे नहीं, कौन खेल रहा है? अरे कौन खेल, खरगोश कौन है? खरगोश। ले छोड़ो मेरे को, छोड़ो, ऐसे मत करो। देखो और देखो, अरे मान जा बदमाश। क्या है जुबिन? बहुत चुप गो कान के अंदर। अब बस 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 बस, मैं कर दूंगा सही, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। क्या बोल रहा है दुराई? क्या बोल रहा है? क्या बोलिए? दूध पीना है? देख देख इन ठा ठिन जाना है, दूध भी बन। क्या देख?
दूध पीना इसको दूध। मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगा दी। देख कितनी ठंड हो रखी है। और वो है एक जो भाग तो फिर चारों तरफ। हम्म, क्या लेने आए यहाँ? क्यों क्या हुआ पम्सा को? अंदर आएगा? चलो 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 चलो, आओ आओ। ऐसे बोला क्या? निकालो। ऐसे बोला किसको? दे ये सही करो, ये देख टोपो सही करो तालो। चलो 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 पम्सा जी भागो ना, चारों तरफ फिर तो फिर ऐसी कमाइन। हाँ हो, बारिश होगी जी एम लिए दूर तो है ना। हो ये देख बारिश जैसे गिल्ला और रखा चारों तरफ। पानी है क्या पम्सा? क्या खाली पड़े? चलो अंदर चलो, अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। क्या नाम है इसका? उधर जाके कर, उधर इधर इधर। अरे 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 इधर मुंह पे करो, इसके मुंह पे करो। पूछी इधर तो भाग गई, जाएगी कहाँ? पूरा पूछी करेगी तेरे। अब करो पूछी इसको। अरे इधर इधर यहाँ यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ मुंह पे। अरे उधर मुंह कर लो, इसके साथ फोटो खिंचवा लो। हाँ ऐसे दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों हाथ लगा लो। इधर ले आओ एक हाथ और, ऐसे ऐसे गले लगा लो इसको। कैसे लेते हैं बच्चे को? हाँ भैया को लेती है ना, तो बाबू को कैसे लेती है गोदी सुलाने के लिए? हाँ ऐसे ले लो इसको, ऐसे ऐसे ले लो ऐसे। बाबू दादू के पास। किसके पास जा रहा है? इधर धूप में रहो, उधर ठंड है। इधर धूप में खिलाओ इसको बेटा, धूप में खिलाओ इसको। अब बैठी रहे थारम पकड़ी जा दूरा। पोटी आ गई क्या? पोटी आ गई क्या? अरे पोटी आ गई इसके तो। पोटी आ गई, पोटी नहीं आ रही है। कमा गरीसा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू तो नहीं है, कल वाला ही है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और इतनी भयंकर वाली सर्दी है, हम लोग दो तीन दिन ब्लॉग से यही देख रहे होंगे कि सर्दी है सर्दी है, बट सच में बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस आज थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गए थे, फिर दुआ भी साथ ही उठ जाती, तो थोड़ा सा टाइम उसको भी देना पड़ता है। और अब झाड़ू वाड़ू होके बस किचन का फटाफट से मैं पराठे बना लूँ, टिफिन तैयार कर लूँ, फिर जाऊँगी नहाने। 9:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये बन चुकी है हमारी बैंगन की सब्जी। मैं जब कल शाम को आई थी तो मेरे को मैं लगा था कि मैं सब्जी लेके आऊँगी, बट मैं भूल गई और आज सब्जी नहीं थी, तो बस ये थोड़ी सी है, तो मैंने इसको ही ऐसे कर करा के बनाया है। अब फटाफट से रोटी बनाते हैं। और सर्दी तो मतलब आप पूछो मत, इतनी भयंकर है कि ना नहाने का मन करता है ना कुछ करने का, लेकिन मुझे नहाना है जल्दी से। सो गाइस, हम लोग बस रेडी हो आगे निकले हैं, और इतनी भयंकर सर्दी है। शक्ल देखो मेरी, रेडी होने का भी मन नहीं करता, इतनी भयंकर वाली सर्दी। तो बस पैंट रोल डलवाएंगे, और मैंने इनसे कहा कि आप ही मुझे रेनवाल छोड़ के आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, इतनी बुरी सर्दी है कि पूछो मत। आप दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो गाइस कितनी बुरी सर्दी है, पैर हाथ सब कांप रहे, मतलब कि बुरी तरीके से। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप पे, और इतनी भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है कि पूछो मत। मतलब हालत ना वो इतनी खराब हो रखी है, और मैंने सोचा कि मैं अपनी इस दीवार को भी कवर करूंगी, मतलब एक दो दिन में जब धूप वूप निकल जाएगी तब थोड़ा पैंट लाके ये जो भी खराब हो रखी है जहां जहां से वहां से इसको कवर कर दूंगी सेम कलर से। और दुर्गा के बाबा मुझे छोड़ने आए थे, ये वापस निकलेंगे। वापस जाओगे आप? तो ये जाएंगे वापस घर पे,
पहले इनको मतलब ये मेरे को सिर्फ बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर इतनी भयंकर सर्दी है तो मैंने कहा मेरे को आप शॉप पे ही छोड़ के आ जाओ, तो अभी निकलेंगे। बहुत बुरी सर्दी है गाइस, बहुत भयंकर वाली, मतलब पिछले 2 दिन व्लॉग से ये देख रहे हो आपकी सर्दी है सर। बैठ जाओ तो चले जाना, ये देखो हमारे बिजनेस मैन है गाइस। दुर्गा के पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, वो बहुत पहले ही निकल गए थे, उसके बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, बस मैं बैठे बैठे वीडियोस वगैरह शूट कर रही हूँ और कस्टमर्स की रिप्लाई कर रही हूँ, यही सारी चीजें कर रही हूँ। और देख लो मेरी शक्ल आज कितनी गंदी सी हो रखी है, क्योंकि इतनी भयंकर वाली सर्दी पड़ती है, इतनी भयंकर वाली सर्दी, उसमें रेडी होना इतना मुश्किल है मेरे लिए। मुझे पता है एक सूट का भी प्रमोशन करना था, पहन के वीडियोज वगैरह शूट करनी थी, लेकिन क्योंकि इतनी सर्दी है तो ना रेडी होने का मन करता, और आपको पता है कि बिना रेडी हुए तो देखो शक्ल ऐसी लगती है बहुत ही गंदी वाली। आप सब बोलते हैं ना जीजा आप बहुत अच्छे हो, जीजा आप बहुत सुंदर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब बहुत सारे लिपस्टिक लगाते हैं, बहुत सारा काजल लगाते हैं, मेकअप करते हैं तभी सुंदर दिखते हैं, अदरवाइज कुछ सुंदर वुंदर नहीं है। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी मुझे लग रही है, और सूट वगैरह के ऑर्डर ले रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिल जाए, बट क्योंकि ऐसा हर दिन जरूरी नहीं होता है कि आपको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हों। और मैं जब दूसरों के पेज देखती हूँ, वो दिन के मतलब बहुत सारे ऑर्डर लगाते हैं, तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मेरी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आए, मैं भी दिन के कम से कम 10 पार्सल तो डिस्पैच करूँ ही करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, धीरे धीरे हो जाएगा, आप जितना कर रहे हो मेरे लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि सब कुछ एक दिन में नहीं होता है, सब कुछ एक बार में हासिल नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ होता है। तो बस मेहनत करना मेरे हाथ की बात है, जो कि मैं करती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ सबके मैसेजेस के कि कहीं कुछ छूट ना जाए, तो ऑर्डर लेने की भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे ऑर्डर मिल जाए, तो बस वही सारी चीज़ें। बाकी तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहा साथ में, तो मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन ऐसा होगा जब मैं 10-10 ऑर्डर डिस्पैच करूँगी।